हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो हम बात करने वाले तीन स्टॉक्स रिलेटेड तीनों स्टॉक्स एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही पीयर कंपनी है अगर बात करें तीनों के तीनों पाइप से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है पीवीसी से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है एक का नाम फिनोलैक्स इंडस्ट्री है ओके okay, जो किफिनोलैक्स पाइप के नाम से भी जानी जाती है प्रिंस पाइप अपने नाम सुनाई है एस्ट्रल पोली अपने नाम सुना है एस्ट्रल जो स्टॉक्स है एस्ट्रल पाइप जो बनाता है ओके okay, उसका भी आपने नाम सुना तो तीनों यहाँ पर बेहतरीन स्टॉक्स नजर आते हैं स स्टॉक्स में हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए उनकी एक बार हिस्ट्री देखेंगे जानेंगे कौन से स्टॉक्स आज की डेट में तीनों गिरे हुए थे तो तीनों में से कौन सा स्टॉक्स ऐसा रहेगा जो हम अगर बाई करते हैं तो एक वर्थ बाइंग हमारे पास रहेगी तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते है, जानते स्टॉक से रिलेटेड उन तीनों स्टॉक से रिलेटेड कंपेरिजन करते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इन्वेस्ट फॉर एवर जो आपका चैनल है दूसरी वीडियो को जाके देखिए एक वीडियो और दो वीडियो आ चुकी है यहाँ पर मार्केट दोबारा से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है एज वेल एज टाटा स्टील

आपको असिस्ट करते हुए नजर आएंगे तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हैं जो कि यहां पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आई है तो तीन स्टॉक से रिलेटेड हम यहां पर बातें करने वाले हैं चार्ट पैटर्न देखेंगे उसके फाइनेंशियल देखेंगे आइए एक-एक करके सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोलेक्स फिनोलेक्स इंडस्ट्री

तो एक साल में इसने 86% के रिटर्न दिए फिनोलेक्स ने केवल कितने के दिए फिफ्टी सेवन के इसने 162% के और यहाँ पर 86% के रिटर्न मिले हैं बट जिसने यहाँ पर ज्यादा टाइम बिताया है 10 साल में तरह हजार के रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आया थर्टीन के रिटर्न दस साल में इस पर्टिकुलर कंपनी ने दिया तो एस्ट्रल का हमारे पास ज्यादा डेटा है इसमें हमें दिखाई देता है कि जितना लंबा कोई इस पर्टिकुलर कंपनी में रुका है उसे यहां पर रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आया है फिर फिनोलैक्स में हमारे पास डेटा अच्छा

Uh, हमें दिखाई देता है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की तो देखिए इसके जितनी भी एक कंपनी है उसके काफी बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं सेल्स की बात करें तो देखिए फिनोलैक्स की जो सेल्स है ओके okay, वो हम uh, यहाँ पर हाइएस्ट एवर तो नहीं कहेंगे बट क्वार्टरली ईयरली बेस पे हाइस्ट एवन आई है और हाईस्ट एवर यहाँ पर नंबर भी दिखाई देते हैं ईयरली और क्वार्टरली बेस पे इसके अलावा एक कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ भी दिखाई देती है नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंसिस्टेंट ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट है रेवेन्यू uh, बढ़ रही है रिजर्व्स बढ़ रहे हैं बोरइंग कम हो रही है वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे है कैश की बात करें कंपनी के पास कैश रिच कंपनी है प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है यहाँ पर देखिए एफ ने पैसे लगाए हैं डी की बात करें थोड़े से कम हुई है और यहाँ पर बात करें पब्लिक की पब्लिक के यहाँ बत्तीस की होल्डिंग है बत्तीस में से कुछ परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर इन लोगों ने ले रखी है तो यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ नजर आती है और एफ ने पैसा यहाँ पर लगाया है तो को भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिंस पाइप की तो प्रिंस पाइप की हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन तीनों में देख लिया है बट स्मॉल कैप कंपनी अट्ठाईस तेईस का यहाँ पर आरु सी आरु ये जो कि बेहतरीन है रिटर्न काफी बेहतरीन पर एक साल के अंदर अंदर दिए है इसने और ये भी कंपनी लगभग डेट फ्री है और नौ सौ रुपए से यहाँ पर छह सौ सात सौ सात सौ रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हमने देख लिया है की एक साल ही कंपनी का हुआ है और अच्छे खासी रिटर्न इस कंपनी ने हमें यहाँ पर देते हुए नजर आए और कंपनी की बात करें तो कंपनी की देखिए हाईस्ट एवल नंबर यहाँ पर पेश करे है यहाँ पर सेम नंबर यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्च दो हजार इक्कीस की वजह बट प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट यहाँ पर

शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं और एस्टिल की अगर हम बात करें लार्ज का कंपनी डेट फ्री है उनतीस तेईस का आर है बट यहाँ पर ये यह शेयर थोड़ा सा महंगा नजर आता है बट जिस हिसाब से गिरावट हुई है तो उस हिसाब से यहाँ पर शेयर को अगर हम बाइंग करते हैं तो अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे और ये जो चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं ना कि छे पांच रुपए वाला स्टॉक्स यहाँ पर दो हजार चल रहा है और यहाँ पर स्प्लिट बोनस सब मिल रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ फ्यूचर में भी नजर आएगा और इसके जो सेल्स है वो हाइएस्ट एवर सेल्स है यहाँ पर देखिए ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर हाईस्ट एवर सेल्स और हाईस्ट एवर नंबर तो प्रॉफिट नहीं कहूंगा नेट प्रॉफिट

यहाँ पर, आ, दस पंद्रह रुपए बीस रुपए यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, यहाँ पर तक आ सकता है तो उसके लिए आपको हम बात करते हैं प्रिंस पाइप की तो प्रिंस पाइप की अगर हम बात करें तो प्रिंस पाइप के अच्छे रिजल्ट थे अच्छे रिजल्ट के बाद चीजें यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई दी थी और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी कितने परसेंट के रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है

थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर यहाँ पर चलना पड़ेगा थोड़ी बहुत गिरावट और उसके बाद अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर यही स्टॉक्स की रणनीति रही है बत्तीस परसेंट का बत्तीस का यहाँ पर आर एस आई चल रहा है जो कि फेवरेबल है मुझे लगता है कि ये ये सही शेयर मुझे पर पर सबसे ज्यादा अच्छा यहां पर लगता हुआ नजर आता है डिप्स की रणनीति अपना के खरीदेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट अचीव होगा हो जो कि पहले भी यहाँ पर कब विद हैंडल पैटर्न बना था और टारगेट अचीव हुआ था उसके बाद चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है इसके अलावा बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और पर्टिकुलर स्टॉक एस्ट्रल पॉली एस्ट्रेल लिमिटेड की अगर हम बात करें आज की डेट में अच्छा खासा गिराई गिरावट यहाँ पर देखी है एक लंबा यहाँ पर कंसोलिडेशन भी हो चुका है बट यहाँ पर यहां यहाँ पर अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में तो एक ज्यादा गिरावट हमें यहाँ पर दिखाई देती है बट यहां से चीजें रिवर्स भी यहां पर होती हुई चीजें दिखाई देती है शेयर यहां पर रिवर्स भी हो सकता है इसकी हाई की बात करें तो शेयर ने लगभग चौबीस रुपए का इसने हाई बनाया था बीच में आपको ये स्टॉक्स बताया भी था और उसके बाद शेयर यहाँ पर दोबारा गिरता हुआ नजर आ रहा है तो लगभग इसमें पंद्रह परसेंट की क्योंकि ये लार्ज कैप शेयर है तो इतना ज्यादा नहीं बट इसमें रिस्क कम है तो इसमें रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी यहाँ पर उतना नहीं मिलेगा जितना प्रिंस पाइप ऑफ फिनोलैक्स में मिलेगा तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा अच्छे ज्यादा रिटर्न कमाने है तो प्रिंस पाइप नंबर वन चॉइस है सेफ रिटर्न कमाने है और नॉर्मल रिटर्न कमाने हैं तो एस्ट्रॉल पाइप सबसे ज्यादा है और लॉन्ग टर्म की बात करें तो एस्ट्रॉल पाइप सबसे ज्यादा अच्छा है उसके बाद पाइप की तरफ जा सकते हो और फिनोल एक्स को हमेशा लास्ट में ही रखिए तो थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर नजर आती है बट यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर लिया था यहाँ लिया था सेम सपोर्ट पर अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ऊपर के लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट और यहाँ पर नीचे के लेवल पर रजिस्टेंस नजर आते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट अगर होती है तो फिर यहाँ पर गिरावट हो सकती है यहाँ पर शेयर और यहाँ पर सौ से डेढ़ सौ रुपए की यहाँ पर गिरावट दिखा सकता है तो वो अगर गिरावट होती है तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बट चीजें यहाँ से रिवर्स होती हुई नजर आ रही है क्योंकि मार्केट भी मुझे रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है ऊपर तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है बट गिरावट होती है तो बायोन डिप्स तो चीजें अच्छी आपको लगे तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको करने की हमेशा राय रहे रहेगी बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करके हमसे कांटेक्ट करना है हमारी पर्टिकुलर राय चाहिए और और भी अच्छी और भी स्टॉक से रिलेटेड तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं अदरवाइज कमेंट आपके लिए ओपन है ओके okay, आपके लिए लाइक like बटन ओपन है लाइक करिए सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को हिट कर लीजिए ऑल पे लगा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन पे आपको मिलते रहेंगे सो थैंक यू सो मच कॉर्ड यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं